बाबा ने सबको विदा किया कैलाश पहुंचकर और माँ के साथ सत्संग पूर्वक बहुत दिन आनंद में रहे। देखिए चौपाइयां क्या कहती हैं। जब ही शंभु कैलाश ही आए सुर सब निज निज लोक सिधा जगत मां तु पितु शंभु भवान देह सिंगार न कहाऊ बखान करहि विविध विधि भोग बिलास गणन समेत बसहि कैलास हर गिरिजा विहार नित नय विधि काल चली तब जन्म वो कट बदन कुमारा काल सुर समर आगम निगम प्रसिद्ध पुराना शिवा का यह पावन विवाह महोत्सव यह उमा शंभु विवाह जय नर नारी कहि जे जो कहेगा गाएगा कल्याण होगा उसका उसका कार्य बनेगा उसके घर में विवाह महोत्सव होगा नया नया उत्सव संपन्न होगा सदा सुखी रहेगा। बाबा जी कहते हैं बोले बाबा माँ भगवती का चरित्र समुद्रवत है हो वेद पार नहीं पा सकते तो मैं गवार तुलसी क्या गाऊंगा। मेरा प्रणाम है। पूज्यपाद गोस्वामी जी ने याज्ञवल्क जी महाराज के श्रीमुख से जो कथा गवाई यहाँ लिखी है मानस जी में मैंने आपको गा के सुना दिया। अब कथा का उपक्रम बढ़ता है आगे आगे भगवान के पावन जन्म महोत्सव का आनंद है। बाबा मैया गृहस्थाश्रम में प्रवेश भय स्वभावतः बाबा भजन करते रहते एक दिन आसन बिछाकर बाबा भजन कर रहे थे तो माता जी पहुंच गई प्रणाम की बाबा गदगद भए वामांग में आसन दिए माँ ने प्रशंसा किया और प्रणाम करते हुए कुछ प्रश्न रखा। हे प्रभु हे विश्वनाथ हे अनाथों के नाथ
चराचर जगत आपकी सेवा करता है। आपको सर्व सामर्थ्यवान मानता है, सर्वज्ञ जानता है। आप सभी कलाओं गुणों के धाम है नाथ, योग ज्ञान वैराग्य के खजाना हैं आप। आप साक्षात कल्प वृक्ष हैं, जिसका निवास कल्प वृक्ष के नीचे हो वो दरिद्रता का दुख क्यों सहे। मां ने भूमिका रखी, मैं आपके श्री चरणों की दासी हूं। हे चंद्रशेखर, मेरे कुछ प्रश्न हैं, इसका समाधान कुछ प्रश्न हैं इनका समाधान करें। प्रश्न क्या है प्रभु? आज्ञा हो तो कहूं। कहिए देवी। मां ने कहा, जो परमार्थ वेत्ता मुनिगण हैं राम जी को ब्रह्म आदि अंत से हीन बताते हैं, शेष जी सरस्वती जी वेद पुराण सब भगवान की नाना विधि गुणों का गान करते हैं, आप दिन रात राम 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 आदर पूर्वक जिस नाम का जप करते हैं वो राम कौन? अयोध्या नरेश चक्रवर्ती महाराज के पुत्र ही राम हैं अथवा कोई और हैं? आदि अंत से हीन विभु तत्व प्रभु, राजपुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे? ब्रह्म जो सर्वव्यापी है, यदि वही शरीर धारण किया तो स्त्री के विरह में रोना क्यों? वो तो सब जानते ही है। चरित्र श्रवण करके और लीला दर्शन करके मेरी बुद्धि में भ्रम हो गया है, हे नाथ इसका निवारण करिए। यदि कोई विशेष तत्व है तो वो भी मुझे समझा कर कहिए, मैं अज्ञानी हूं, अस्त मेरे प्रश्नों में कोई चूक हो त्रुटि हो तो अन्यथा न लेकर उसके लिए क्षमा करिएगा। पिछले जन्म में मैंने भगवान की दिव्य लीला का दर्शन किया दंडकारण्य में, मेरे बुद्धि में भ्रम उपस्थित हुआ था, तब वाला भ्रम अब नहीं रहा। अब मेरी श्री राम प्रभु के चरित्र की कथा गाथा सुनने में रुचि है, हे नाथ मुझे सुनाइए। शिव बाबा बड़े गदगद हो गए, और यहां मैं आपसे निवेदन करूं, कथा को बार बार सुनिए। जे यह कहही कथही स्नेह समेता, कही है सुनी है समुझी सचेता, होई है राम चरण अनुरागी। कलिमल रहित सुमंगल भागी, जे यह कथही कही है समझकर सचेत होकर। ये बाबा ने प्रारंभ में ही कहा है। तो मां का प्रश्न आया, हर ही राम चरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए, मगन ध्यान रस दंड जुग होने मन बाहर की, रघुपति चरित महेश तब हर्षित। ध्यान रस प्रभु के भाव में भोलेनाथ डूब गए हो, प्रातः का लुटकर हाथ पांव धो लीजिए और 5 मिनट भगवान का स्मरण किया करिए, 5 मिनट करिए। जैसे जैसे भगवत स्मरण का रस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मन और समय को बढ़ाता जाएगा। चुपचाप बैठिए, कुछ मत करिए, केवल बैठिए।
बाबा ने मंगलाचरण किया, मन को बाहर लेकर बाबा ने मंगलाचरण किया। देवी, जिसको न जानने पर झूठ भी सत्य जान पड़ता है, जिसको जान लेने पर यह असत जगत समाप्त हो जाता है। जय जाने जग जाय हेराई, वही मेरे प्रभु। जगत में मन तभी तक लगेगा जब तक भगवान में न लग जाए। वो गीत आपने सुना होगा, ऐसी लागी लगन मेरा जी हो गई मगन, वो तो गली गली हरी गुन गाने लगी। ऐसी लागी लगन मेरा जी हो गई मगन, लगन 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 हरि से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। जगत में लगी है तो जगदीश में कैसे लगेगी, जगदीश में लग जाएगी तो जगत से अपने आप मुक्त हो जाएगा। जी व्यवहार करेगा भगवान में रमेगा लग जाए, लगन लग जाए हो। विनोद नहीं है, यथार्थ है ये, लगन लगे। हाँ बाबा ने स्मरण किया अपने बाल रूप इष्ट देव भगवान का, स्मरण किया भगवान को, प्रणाम किए, करी प्रणाम राम ही त्रिपुरारी त्रिपुरारी हर्षि सुधा सम गिरा उचारी। बाबा ने क्या कहा, हे गिरिराज पुत्री आप धन्य हैं, धन्य धन्य। देखिए धन्य कौन है, जो भगवान की कथा सुनना चाहता है वो धन्य है। सबसे पहले आप श्रोता लोग धन्य हैं जो कथा सुनना चाहते, श्रोता लोग धन्य हैं। अपने राम जी धन्य नहीं है। अरे भाई आप न सुनना चाहते तो हम क्या सुनाते, आप सुनना चाहते हैं इसलिए प्रथम आप धन्य हैं, और दूसरे जो हमारे साथी लोग बाल गोपाल लोग ये सुनाने की व्यवस्था किए हैं वो आपके बाद धन्य हैं, जिन्होंने ये सुंदर व्यवस्था की है। आनंद से बैठा हूं, इधर ठंडी हवा है इधर मीठी हवा है, चकाचक आनंद हो रहा है। ऐसा आनंद तो बिना कुछ दिए कानपुर अयोध्या में आ रहा है। इतनी सर्दी है कि हड्डी कड़कड़ा रही है अब लेकिन यहाँ वही ठंडी, देखिए कितनी मीठी मीठी हवा बह रही है। तो जो हमारे सहयोगी बंधु लोग ये सारी व्यवस्था बनाए हैं वो आपके बाद धन्य हैं, और हमको बुलाकर गवा रहे हैं तो हम भी इसी दही में मूसर चंद जैसे धन्य हैं। नहीं अब आप आते नहीं, ये लोग बुलाते नहीं तो हम कहाँ गाते, इसलिए तीसरे चक्कर में हम लोग भी थोड़ा थोड़ा अपना जुगड़िया ले रहे हैं। धन्य है, धन्य नहीं है भैया, हमको तो ये लोग धन्यवाद करने के लिए ही बुला लेते हैं अब हम गा देते हैं। लेकिन बाबा ने माँ के लिए क्या कहा सुनिए, धन्य धन्य गिरी राजकुमारी, धन्य धन्य समान नहीं को वो तुम समान नहीं को वो पूछे हो रघुपति पर
यह कथा पूछी कौन कथा जो सब लोगों को गंगा जी के समान पावन करती। ये राम कथा गंगा सब लोगों को पावन करती है।